Everyone, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड जो कि लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजल्डिहाइड का बाय द साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन किस चीज की होगी जो एरोमेटिक रिंग है सपोज मैं यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग बना रही हूँ ठीक है इस पर मैंने सी लिख लिया ठीक है और ये क्या है आपको पता होना चाहिए दिस इज द टॉलवीन ठीक है बेंजीन के ऊपर जो अगर सी एच थ्री लगे तो दैट विल बी द टॉलवीन तो अगर साइड चेन क्लोरीनेशन का मतलब है कि जो ये एरोमेटिक जो ग्रुप है उसके ऊपर जो ये साइड चेन लगी हुई है उसकी हमने क्लोरिनेशन करवानी है फिर फर्दर क्या होगा फिर फर्दर उसके हाइड्रोलिसिस से आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा अब देखो कैसे होगा टोलविन की हम करेंगे क्लोरिनेशन दैट विल बी क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू लाइट की प्रेजेंस में होती है ये फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन होती है वैसे मगैनिज्म में हमने नहीं जाना है अब क्या होगा क्लोरीन है यहाँ पर तो यहाँ पर क्लोरीन के दो मोल्स अगर हम ले लें क्लोरीन एंड क्लोरीन ले लें ठीक है तो क्या होगा जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है उनको ये अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि इस पे डेल्टा नेगेटिव अगर नेगेटिव आप लगा दोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ले लेगा और दो मोल आपके एच के बाहर निकल जाएंगे ठीक है ये दोनों क्लोरीन दो हाइड्रोजन को लेके निकल जाएंगे तो कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी देखो यहाँ पर कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी और यहाँ पे क्या है कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बचा है दो तो हाइड्रोजन तो दो क्लोरीन के साथ निकल गए अब क्या होगा कि यहाँ पर क्लोरीन ये जो बाकी क्लोरीन है वो जाके डायरेक्टली अटैच हो जाएगी इस तरह से क्लोरीन एंड क्लोरीन ठीक है अब क्या होगा यहाँ तो हमने क्लोरिनेशन साइड चेन की कर ली साइड चेन की क्लोरीनेशन कर ली है अब क्या होता है फर्दर लास्ट स्टेप होता है दिस इज़ द हाइड्रोलिस एच टू भी लिख सकते हो या फिर एच थ्री ओ पॉजिटिव भी लिख सकते हो आप ठीक है अब क्या होगा एच टू ओ जो है उसमें से एच एंड ओ एच होता है उसमें ठीक है आपको पता है ओ OH एच पे नेगेटिव एंड एच पे पॉजिटिव साइन होते हैं अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन क्या करेगा यहाँ से अपने इसके इलेक्ट्रॉन लेने शुरू कर देगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर यहाँ पे लेगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होगा यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा ठीक है तो डेल्टा पॉजिटिव जो है उसकी तरफ क्या आएगा ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्ज जो कि ओ एच नेगेटिव है ठीक है ओ OH एच नेगेटिव यहाँ जाके लग जाएगा उसी तरह से अगर हम इसके दो मोल ले लें दो मोल ले लें ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे दो ओ एच नेगेटिव है उसी तरह से क्या होगा यहाँ पर क्लोरीन भी निकल जाएगा फिर से ये डेल्टा नेगेटिव बनेगा और पॉजिटिव बनेगा ये क्लोरीन निकल जाएगी और यहाँ पर दो ओ एच लग जाएगी आपके ठीक है फिर यहाँ पर आपका क्या बनेगा सी एच पहले से था अब डायरेक्टली क्या आया ओ एच एंड ओ एच लग गया यहाँ पर ठीक है अब फर्दर क्या होगा फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगी सो so दैट इसमें से वाटर का लॉस हो जाएगा याद रखना जब भी कहीं दो ओ OH एच आते हैं तो वो हमेशा बाहर वाटर दे के निकलते हैं सो so, ओ OH, एच ओ OH एच यहाँ से दोनों निकल गए तो आपको क्या मिला बेंजीन के ऊपर देखो सी एच पहले से था एंड यहाँ पर जब निकले वाटर देखो ओ एच OH यहाँ से करो वाटर यहाँ से निकाल दो एंड आप मिला ऑक्सीजन और वैलेंसी पूरी करते हुए हम डबल बॉन्ड लगाएंगे एंड दिस इज द ऑक्सीजन हेयर एंड ये क्या है आपका दिस इज द देंडीहाइड सो so, ये प्रिपरेशन हुई आपकी किससे प्रिपरेशन हुई फ्रॉम द फ्रॉम द कोई भी एरोमेटिक रिंग जिस पे कि साइड चेन प्रेजेंट होनी चाहिए ज़रूरी ठीक है और उसके बाद क्या है उसकी क्लोरिनेशन करवा दो उसके बाद जो क्लोरीन क्लोरीन लगे हैं उनको कन्वर्ट करो हाइड्रोलिस से ओ एच ओ एच ग्रुप में एंड ओ एच ओ एच ग्रुप की रीअरेंजमेंट आपस में ही खुद ही हो जाएगी एंड ये आपको कार्बोनाइल ग्रुप दे देंगे और होल ये क्या कहलाए दिस इज़ द बेन्जल्डीहाइट सो so, यहाँ तक आपकी बेंजलडी हाइड की प्रिपरेशन खत्म होगी नेक्स्ट में अब हम शुरू करने वाले हैं ओनली किटोन की प्रिपरेशन थैंक यू सो मच स्टे ट्यून्ड